हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाठियों से पीट पीट कर वृद्ध की हत्या, परिवार ने 13 लोगों के खिलाफ नामजद करवाया मामला दर्ज। पुलिस उप अधीक्षक व थाना अधिकारी ने किया मौका निरीक्षण। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बांकली गांव में शनिवार देर रात्रि रतनलाल पुत्र हरजी जी मेघावल की हुई हत्या। प्राप्त जानकारी के अनुसार हत्या की सूचना सुमेरपुर थाने में मिलने पर रात्रि के समय इंचार्ज कपूरा राममय, थाना दल कांस्टेबल परताराम जानी, प्रेम प्रकाश मौके पर पहुंचकर उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी देते हुए शव को अपने कब्जे में ले एम्बुलेंस में रखवाया। इसी दरमियान परिवारजनों व महिलाओं ने एम्बुलेंस का रास्ता रोककर शव को वापस नीचे उतारकर प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलते ही सुमेरपुर थाना अधिकारी रविंद्र खिंची भी मौके पर पहुंचकर समझाइश के बाद शव को एम्बुलेंस की सहायता से सुमेरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया। वहीं घटना को लेकर पुलिस द्वारा आरोपी नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लिया। सुमेरपुर थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खिंची ने बताया कि प्रार्थी रूपाराम पुत्र सोनाराम जाति मेघावल निवासी बांकली ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि शनिवार रात्रि को काका रताराम के साथ कुल 13 लोगों ने मिलकर गाली गलौज करते हुए रताराम पुत्र हरजी जी के साथ मारपीट की। लाठियों से मारपीट की, जहाँ पर गंभीर चोट लगने से रताराम की मौके पर ही मौत हो गयी। द्वारा मुकदमा दर्ज करवाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर एक नाबालिग को पुलिस ने संरक्षण में लिया है। बांकली में एक वृद्ध की हत्या को लेकर दूसरे दिन घटनास्थल का मौका मुआयना करने पुलिस उप अधीक्षक रजत विश्रोही व थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खिंची ने पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना कर कार्रवाई प्रारंभ की। जागरूक टीवी के संवाददाता से सुमेरपुर थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खिंची, इनका कहना है कि रूपाराम मेघवाल निवासी बांकली ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की कि मेरे काका रताराम सनफ हरजी राम के साथ हमारे गांव के ही सोमेंद्र मेघवाल, जोगाराम मेघवाल व इनके परिवार के अन्य लोगों ने कल रात्रि को मारपीट की थी व गली गलौज की और मौके पर मेरे काका रताराम की मृत्यु हो गई। रताराम की लाश को सुमेरपुर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। उक्त संदर्भ में थाने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है? 13 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसमें से एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। जागरूक टीवी के सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।